The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So we are talking about cholesterol. Welcome everyone. This is Dr. Education, where you get the most authentic, simplified and very, very important knowledge. So कोलेस्ट्रॉल क्या है? What is cholesterol? Cholesterol एक soft, waxy substance है जो आपकी body के अंदर पाया जाता है everywhere. Yes, it is present everywhere in all parts of your body and your body needs cholesterol. Yes, it needs cholesterol. Yes, you need cholesterol. यानी zero cholesterol वाली खानी नहीं खाना है. You need cholesterol to work properly. You need cholesterol. अगर कोलेस्ट्रॉल कम होगा यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली, यू वॉन्ट हैव द हॉर्मोन्स, यू वॉन्ट हैव योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बट अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा दैट कैन लीड टू ब्लॉकेज ऑफ क्लॉट्स, क्लॉगिंग आर्टरीज एंड लीड टू हार्ट अटैक्स. सो बैलेंस, द बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होता है बाय ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बता सकते हैं आपके हार्ट के रिस्क, आपके स्ट्रोक के रिस्क, पेशेंट्स जिनको नैरोड आर्टरीज हैं और वैल्यूज आपके लिए नॉर्मल कितनी होनी चाहिए. कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज, द नॉर्मल वैल्यूज फॉर यू विल डिपेंड अपॉन योर कंडीशंस, योर एज, योर हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड अदर रिस्क फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपको हार्ट की बीमारी है, अगर आपको डायबिटीज है, तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमें और नीचे चाहिए. अगर आप हेल्दी एथलीट हो तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल हायर साइड पे भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. गॉट इट? अंडरस्टूड? सो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट क्या है? See, as I said, कुछ टाइप के कोलेस्ट्रॉल आर नीडेड. सम आर गुड कोलेस्ट्रॉल, सम आर बैड कोलेस्ट्रॉल. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट इन द कोलेस्ट्रॉल टेस्ट. बहुत सारे टाइप्स के टेस्ट है और डॉक्टर जो है कई बार सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कर सकते हैं कि भाई टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा तो नहीं है, कई बार सिर्फ टोटल ट्राइग्लिसराइड. सो देर इज समथिंग कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल, समथिंग कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड. ट्राइग्लिसराइड मतलब द बेसिक फैट्स इन योर बॉडी. आपकी बॉडी में जो फैट है, टूट टाट के सारे फैट ट्राइग्लिसराइड बन के एब्जॉर्ब होते हैं, राइट? और इन कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर से डिग्रेड होके निकलते हैं दूसरे, जैसे कि लाइपोप्रोटीन. लाइपो मतलब फैट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन. तो लाइपो यानी फैट्स और प्रोटीन का एक सब्सटेंस, जॉइंट, एक चीज बन गया लाइपोप्रोटीन. इसमें एक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज गुड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज बैड कोलेस्ट्रॉल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल. सो सिंपल, ज्यादा टेंशन नहीं है. लाइपोप्रोटीन क्या है? बैड, गुड, सिंपल, ठीक है. सो लाइपोप्रोटीन जो है ये वो चीज है जो कोलेस्ट्रॉल को कैरी करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के को कैरी करते हैं. दीज आर लिपिड्स, राइट? ये लिपिड्स आपके ब्लड के थ्रू पार्ट्स में लेके जाते हैं. सो दीज आर ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट. सो किसको टेस्ट कराना है, कब टेस्ट कराना है, वेन शुड द टेस्ट बी स्टार्टेड? एवरीवन शुड हैव फर्स्ट कोलेस्ट्रॉल टेस्ट बिफोर द एज ऑफ 35. तो एक दो साल में मैं भी कराऊंगा, जी हाँ. सो 35 के एज में आपको मेन के लिए करना जरूरी है और फीमेल्स के लिए 40-45 की एज में पहला कोलेस्ट्रॉल लेवल कराना चाहिए. मगर कुछ कंट्रीज में 20 साल की उम्र से शुरू कर देते हैं, कुछ कंट्रीज में. और जल्दी किसको कराना चाहिए? अगर आपको कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज तो जल्दी, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर या फैमिली हिस्ट्री है कि आपकी फैमिली में हार्ट की बीमारी रहती है तो करा लिया. फिर से कब कराना चाहिए? अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है तो 5 साल में फिर से कराओ. अगर आपके रिपोर्ट्स में गड़बड़ नहीं भी है, नॉर्मल है, लेकिन आपको इनमें से कोई बीमारी है, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम एंड ऑल, तो आप उसको एवरी ईयर कराओ, बीच बीच में कराते जाओ. और अगर आप कोई कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हो तो चाहे 6 महीने में भी करा सकते हो रेगुलरली. नाउ क्या टेस्ट्स हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल, नंबर वन टेस्ट, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? 180 to 200 मिलीग्राम पर डीएल. अब इसको और एक यूनिट भी है इसका,
10 to 11.1 millimole per liter. Now, people will get results in different units, but then the normal range will be written near that value, obviously. So, report dekhna to simple hai na, aisa. So, total cholesterol is, agar ek hi test karana hai, to ek ye test, total cholesterol, right? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल टोटल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो बाकी के टेस्ट करे नहीं करे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल इज एलडीएल. सो एलडीएल इज इंपॉर्टेंट. एलडीएल इज द बैड कोलेस्ट्रॉल और ये आपकी आर्टरीज को क्लॉक कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है, स्ट्रोक कर सकता है, बेड़ा गर्क कर सकता है. सो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल. ये एलडीएल बढ़ता है ज्यादा तला चिकनाई वाला खाने से, तेल घी बटर मक्खन मलाई ज्यादा खाने से. बुरा नहीं है घी, एक चम्मच चलेगा, बट ज्यादा खाने से प्रॉब्लम है, राइट? एंड नॉट यूटिलाइजिंग, नॉट एक्सरसाइजिंग, दैट इज द बिग थिंग. सो एलडीएल कम चाहिए, जिसको ज्यादा बीमारी उसका और कम चाहिए, जिसको कोई बीमारी नहीं उसका नॉर्मल लेवल में कम साइड चाहिए. सो आइडियल लेवल्स उसके होने चाहिए 70 से लेके, एलडीएल का अलग अलग जगह पे है, 70 से लेके 100 तक होना चाहिए. 180 तक भी कहीं कहीं माना जाता है कि ये अगर 180 के ऊपर है तो हाई है, राइट? 180 के ऊपर या 180 तक भी है, 70 से ऊपर है तो भी हाई है. आज के डेट में बोला जाता है कि उसको रखिए 70 के आसपास या 100 से नीचे रखो, 100 के नीचे रखो. सो 70 से ऊपर, 100 के ऊपर तो भी हाई है बोला जाता है, बट देन 100 के ऊपर, 100 के नीचे रखना चलेगा. देन समबडी हु हैज 190 के ऊपर एलडीएल इज वेरी डेंजरस, वेरी हाई, दवाई लेनी चलेनी है. 180 के नीचे है तो यू कैन डू एक्सरसाइजेज एंड अदर थिंग्स टू गेट इट करेक्टेड, बट देन यू कैन टेक दवाई फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, बट देन जरूरी. अगर आपको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, कोई भी रिस्क फैक्टर जो हमने बताया, तब तो भैया दवाई लेनी लेनी है अगर आपका इतने मामले में है तो, राइट? सो गाइडलाइंस हमेशा थोड़ी बहुत बदलती रहती है, बट द आइडिया इज 100 के आसपास रखो LDL, 100 से नीचे. HDL is good cholesterol चाहिए, ज़्यादा वो बढ़ता है exercise से. It cannot be increased by just diet. Yeah, diet is okay, but then if you exercise, increase your activity, physical activity, LDL, HDL will increase. जितनी आप fast हैं, जितनी आप में फुर्ती है, उतना HDL बढ़ेगा. Simple. So HDL is good cholesterol. इसका levels आपका 40 से ऊपर चाहिए, 40 to 60 के बीच में, right? And very bad cholesterol, VLDL, is the amount of, the highest amount of, contains the, उसमें सबसे ज्यादा triglyceride होते हैं भैया. VLDL contains the highest amount of triglyceride, lipoprotein, मतलब उसके अंदर lipid, lipo बहुत ज्यादा मात्रा में वो होते हैं. वैसे वो वेरी लो डेंसिटी बोलते हैं, लेकिन ट्राइग्लिसराइड सबसे ज्यादा है. इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को चिपकाने में काम करता है और ब्लॉक करने में. इसको तो कम से कम चाहिए 30 से वेरी वेरी नीचे, 30 से नीचे चाहिए, 2 ग्राम तक भी चलेगा, 30 से नीचे लाओ उसको. और ये नीचे आता है कार्ब्स कम खाने से. इफ यू ईट अ लॉट ऑफ कार्ब्स, दिस विल इंक्रीज. सो रिड्यूस योर कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्ब्स को कम करो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को बढ़ाओ. सो दिस इज द आइडिया, दिस इज द टेस्ट. सो गॉट इट? कैसे टेस्ट होता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर बहुत वेरी करेंगे तो आपके डॉक्टर्स को भी समझ में आएगा कि आपको दवाई काम कर रही है नहीं कर रही है, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर आपका ये भी देखा गया है कि अगर आप सिर्फ डाइटिंग करते हो, मे बी देर इज समथिंग कॉल्ड एज डैश डाइट, ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, अ लॉट ऑफ वेजिटेबल, इट वर्क्स, राइट? इट हैज बीन सीन कि सिर्फ अच्छी मात्रा में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने से आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, आपके बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल कैन रिड्यूस टू हाफ, हाफ इन 1 to 2 weeks, 2 हफ्ते, 1 से 2 हफ्ते में हाफ हो सकता है, हो सकता है, होता हर एक में होगा, जरूरी है. सो हो सकता है, देन यू नीड टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. दैट मीन्स आपकी डाइट में अगर हम खाना निकालें तो सब कुछ से ज्यादा सब्जियां होनी चाहिए, सबसे ज्यादा सब्जियां होनी चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए और थोड़े से फ्रूट्स होने चाहिए. यानी कि सिर्फ रोटी रोटी रोटी, इतनी सी सब्जी, दैट्स द मिस्टेक विट वी डू. मैं तो सुक्का खाना खाता हूँ सर, मैं तो तेल घी खाता ही नहीं है, रोटी चौपड़ी भी नहीं खाता, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, फिर भी मैं बीमार, फिर भी मुझे हार्ट अटैक, बिकॉज यू डोंट नो इट. नॉलेज इज प्रिवेंशन. What is the problem? You don't know that, right? So this is the idea how to reduce cholesterol. Simple. Eat more vegetables, fruits and vegetables. Do more exercise. Tel ghee butter makhan malai tala chiknai ban ya kam.
हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, दैट्स इट, एक या दो बस, क्या परोठा या पूरी, एक या दो, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, बाकी नहीं, बाकी वेजिटेबल, जिस दिन वो खाओगे उस दिन डबल वेजिटेबल, सो दैट बैलेंसिंग द थिंग्स, सो कोलेस्ट्रॉल. आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू डिड आई होप यू एंजॉयड द सेशन, इफ यू डिड then ask your questions, like the video, share the video, and like and subscribe to the channel. And thank you so much for joining. I am Dr. Paramjeet. Okay, I'll be taking your questions right away.